पूरी टीम को अपने तो अपने होते हैं कि वो शुभकामनाएं बधाई है कि भाई नई फिल्म आप लोग यहाँ पर मुहूर्त की और साथ ही साथ आप लोग शूट कर रहे हो। राज भाई मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, आप बताइए पिक्चर के बारे में, फिर वाली सर और तनुश्री और सुमाश्री। आज बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, और जैसे आप सब देख रहे हैं हमारी आज फिल्म का मुहूर्त हम लोग किए हैं और इसके साथ शूटिंग किए हैं, शूटिंग स्टार्ट कर दिए हैं आज। फिल्म का नाम है अपने तो अपने होते हैं, और डायरेक्टर हमारे साथ में बाली सर हैं, और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन हमारे साथ में तनुश्री जी हैं, हमारे बड़े भाई अंशुमान भैया हैं। और अब हम लेके चलते हैं बाली सर की तरफ, आप यहाँ से आइए, आगे कहानी हम लोग फिर देखते हैं क्या है, फिर बताते हैं। सर आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, और क्या कहानी है बेसिकली अपने तो अपने होते हैं कि? देखो कहानी ये पारिवारिक फिल्म है, और टाइटल से ही पता चल जाता है कि अपने तो अपने ही होते हैं, और ये जिंदगी है। यहाँ तो बस वही है कि जो अपने हैं वही अपने हैं, लेकिन बेगानों को भी अपना बनाना है, तभी ये चीज़ कम्प्लीट होता है, अपने तो अपने होते हैं। कहानी पारिवारिक है, मैं इतना ही बोलूँगा, और दो भाइयों की और दो बहुएं की, एक सास है और एक विलन है, जिसमें विलन मतलब फिल्मी विलन नहीं है, घर के अंदर ही देखो कई लोग होते हैं कि जो घर तो अच्छा नहीं चाहते हैं तो वो विलन ही हो गया, फिर वो विलन कहलाते हैं, और वो कैसे स्थिति बनती है कैसे होता है, ये फिल्म की कहानी है, पारिवारिक है, अच्छा लगेगा आपको। बाली सर फिल्म में जो कास्टिंग है तनुश्री अंशुमान राज भाई बाकी लोग, ये कैसे 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 हुई है? नहीं इसमें देखो यही लोग पहले चॉइस थे या इनमें कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं 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 यही चॉइस है मेरा, जो कहानी का ऐसे ही था कि राज भाई हैं, अंशुमान जी हैं और मणि भट्टाचार्य हैं, क्योंकि वो शूटिंग कर रही है अभी, तो वो अभी उनको 1 तारीख से ज्वाइन करेंगी, तो उनसे पहले तनुश्री गाने हैं, गाने शूट कर रहे हैं, अपना अंशुमान जी का गाने वगैरह है, एक्शन है। प्रोड्यूसर हमारे हैं विनीत तिवारी जी। हेलो विनीत जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम है, और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, काफ़ी हिंदी फिल्म मैंने एजुकेटिव प्रोड्यूसर किया है, लेकिन एक जिज्ञासा है कि एक अच्छी मूवी भोजपुरी को दिया जाए, तो बाली जी से मिलकर मेरे को अच्छा लगा, और बाली जी काफ़ी मूवी अच्छे दे चुके हैं और अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो ये है कि ये इंसान अच्छे हैं, और मेरे को इनका मेकिंग, इनका बात करने का तरीका, सारी चीज़ें कनेक्ट किया मेरे को और मैं कर रहा हूँ। और हमारे गार्जियन हैं अनिल अग्रवाल जी, जो कि हमारे बेस्ट बनाए हैं और ये सहायक प्रोड्यूसर हैं। ग्रेट, उनसे भी बात करेंगे। राज भाई आप फिल्म के पास आइए अपने। जी बिल्कुल। तनु मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। शुक्रिया। एक बढ़िया गाना आपका मैं देख रहा था, शूट हो रहा था यहाँ पर, फूलों से फूल बरसाए जा रहे थे आप पर, कुछ बताना चाहती हैं फिल्म के किरदार के बारे में जो तनुश्री प्ले कर रही हैं फिल्म में? मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है, कहूँगी मेरे किरदार में बहुत सारे शेड्स हैं, अक्सर ऐसा होता है हीरोइन को आती है कुछ एक शेड लेके डांस करती है, थोड़े बहुत डायलॉग्स रहना शी यूज्ड टू गो, बट मेरा इस फिल्म में बहुत ही अच्छा है किरदार, और बहुत सारे जैसे मैंने कहा अलग अलग शेड से, तो प्ले करने में मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ बाली जी की कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू सो मच। अंशुमान भाई। हाँ जी सर, एक मिनट सर। ओके,
फिल्म अब मैं देखा आपका एक बहुत बड़ा शानदार और बड़ा प्यारा सा गाना शूट हो रहा था, किरदार के बारे में मेरे को बताइए फिल्म में अपने तो अपने हैं में क्या किरदार है आपका? देखिए सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा सबको यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मेरे दर्शक भोजपुरी दर्शक लोग हैं। किरदार के बारे में बोलने से पहले मैं जब इस स्टोरी को सुना हूँ बाली सर से तो बस उन्होंने इसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया उनके साथ, उन्होंने बस बोला कि तू मेरे पे ट्रस्ट कर, तो मैंने बोला सर मेरा क्राफ्ट तो बता दो, मेरा कैरेक्टर तो बता दो कि क्या है सर इसमें, बोले बस तू हीरो है। एंड देन बस उसके बाद वन लाइन मैंने लाइन सुना और आई फील वेरी जेन्युइन कि यार नो डाउट एक फैमिलियर फिल्म है और मेरा इसमें जो पार्ट है वो एक अहम भूमिका है कि हाँ भाई इसमें मैं, जैसे कि नेहा जी ने बोला कि इसमें सेट्स हैं, तनु जी, तनु बताओ, नेहा जी बताओ। मैंने सॉरी एनीमे हीरोइन का नाम ही नहीं पता, हाँ कैरेक्टर नेम हो सकता है, हाँ तनु जी ने बोला कि अलग अलग सेट्स है, यार नहीं मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तनु जी ने बोला कि अलग अलग सेट्स है तो उस सेट्स को लेकर के एक आर्टिस्ट जो है जीता है, चाहे वो राज भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, जब सेट्स अलग अलग दिखते हैं तो लोगों को वेरिएशंस दिखती हैं, तो मैं उस चीज़ को सुन करके बहुत ही हैप्पी हुआ था। और जो इसमें मेरा क्राफ्ट है, जो मेरा इसमें कैरेक्टर है, मेरे अगेंस्ट अगर देखा जाए जो खूबसूरत एक्ट्रेस हैं यहाँ पे मेरे बगल में खड़ी हुई हैं, तो एनीवे तो मैं इनके साथ अभी कुछ सॉन्ग्स अभी प्ले कर रहा था, देन सी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं इसमें ग्रैप कर रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है पॉजिटिवली। डायरेक्शन में आज से नहीं, जब मैं 14 साल की थी, आई होप आपको अच्छे से याद होगा, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब से मैं इनके अंडर में काम करती हूँ और इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाया है, मुझे पॉलिश किया है, लाइटिंग लेना, कैमरा फेस करना, तो मैं तो आज भी इनके आभारी रहूँगी और मैं यही चाहती हूँ कि मैं बुढ़ी होने तक सर मुझे बहुत टाइम है अभी सर उस चीज़ में, बहुत टाइम है, बहुत अच्छी एक्टर है, एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं, डांस कमाल का है, लुक बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है बहुत कॉपरेट है, मतलब आप बोलो इतने टाइम पर तो रेडी, और ये मतलब बहुत चीज़ें हैं जो प्लस है, पंक्चुअलिटी जो है आर्टिस्ट बहुत बहुत बहुत, और हमारे भाई साहब भी हैं अग्रवाल साहब ये को प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर ये रहने वाले, बताइए कहाँ के रहने वाले? छपरा बिहार का मैं रहने वाला हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार अग्रवाल हुआ जी, और पहली बार मैं बॉम्बे में फिल्म गाड़ी में आया हूँ। अच्छा, और कोशिश करूँगा आपके साथ, जब मेरी बात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि आपने कहा कि मेरे फिल्म में आप प्रोड्यूस करिए, ठीक है अच्छी बात है, देखता हूँ। देखो ऐसे ही आस्ते आस्ते आएंगे तो पिक्चर के लिए और अच्छा होगा, और फिल्में बनेंगी और फिल्में पारिवारिक बन गई हैं, पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा, तो सब ये मिलजुल के ही हम लोग सब करें। राज भाई आपने बाली सर के साथ कभी काम किया है, इनके गानों में इनके फिल्मों में कभी काम किया है आपने? मेरे लिए जो है बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, और बाली सर के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और बाली सर ने हमको फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसी हमारी कहानी है, हम लोग साथ में काम करना चाहते हैं, और कहानी सुनाया सर ने मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सर के साथ, क्योंकि सर का ऑलरेडी बहुत नाम था, मैं बहुत नाम सुना हुआ हूँ और इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में की हुई है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं एक्टर हूँ तो एक अच्छे निर्देशक के अंडर मैं काम करूँ, और सौभाग्यशाली मैं अपने लिए मानता हूँ। ये डायरेक्टर के साथ साथ कोरियोग्राफर भी बहुत शानदार जी, बिल्कुल जानता हूँ, उसके साथ साथ बहुत अच्छा अभिनेता भी हैं ये जी, बिल्कुल जी। बाली सर कितने गाने हैं फिल्म में जिन्हें आप कोरियोग्राफ कर रहे हैं इस फिल्म में, या फिर आपने किसी और कोरियोग्राफर को भी इसमें हायर किया है? नहीं मैं इस गाने हैं जी, तो सातों गाने मैं अपनी पिक्चर में खुद ही करता हूँ गाने, बाकी कोरियोग्राफ मैं करता हूँ, मेरे साथ असिस्टेंट रहते हैं जो मोमेंट्स वगैरह हम दूसरे चेक कर लेते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या मैं पूरा गानों में, और ये फिल्म तो ऐसी है कि एकदम पूरी फिल्म की फिल्म में कहानी है और गाने हर गाने में कहानी है, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी एकदम इन्वॉल्व होना है, तो करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ, थोड़ी तकलीफ है लेकिन जो जुनून है अंदर से तो वो तो रहेगा ही, वो तो करूँगा, उसके सामने कोई तकलीफ सर टिक नहीं सकती, कोई तकलीफ टिक नहीं सकती उसके सामने। कहाँ कहाँ शूट करना चाहते हैं, कोई और शेड्यूल इसके अलावा आप लोग कहीं रखना चाहते हैं अपने तो अपने के हैं? तो इसका शेड्यूल अभी पहले यहाँ है, फिर हम लोग प्लान बनाएंगे, तो इसको लोनावाला या खंडाला वगैरह शूट करेंगे, और थोड़ा और भी आउट ऑफ जाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे कहानी का होगा।
राज भाई कुछ कहना है आपको ऑडियंस को, जो लोग आपको देखते हैं, आपके गाने सुनते हैं, कि भाई अब राज यादव एक और नई फिल्म लेकर आ रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा, जैसे आप सब प्यार पहले दिए हैं और इस फिल्म को वैसे ही प्यार दीजिए, क्योंकि हम लोग एक अभी एक्चुअली मैं जो सिनेमा मैं भी कर रहा हूँ, पहले मैंने बहुत सारी फिल्में मैंने की है, 22-23 फिल्में अब हो गई है। तो अभी कुछ कुछ डायरेक्टर से मैं मिला और बाली सर ने मुझे बताया ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो अभी हम कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं और फिल्में बहुत कर ली, हीरोइज्म बहुत दिखा लिया, अभी चाहते हैं कि अच्छा करेक्टर किया जाए, तो उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं एक अपने करेक्टर के साथ। दोनों एक्टर अच्छे हैं और बड़ा अच्छा भी है, अंशुमन भी है, कास्टिंग हमारी तो है ही, हमारी सब। अभी इसमें संजय पांडे जी भी आएंगे और विनोद मिश्रा जी भी हैं और सीपी भट्ट जी हैं, भट्ट है, संजय है, मतलब काफ़ी किरदार हैं हमारे, बड़ी अच्छी, सारे बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्म में, इंडस्ट्री के गाने भी अच्छे, गाने हमारे किए हैं लाल सिन्हा जी ने। अच्छा, हाँ, लाल सिन्हा जो ससुरा बड़ा पैसे वाला, दरोगा बाबू, घर से बोलते, सब फिल्में हमारी की हैं, हिट फिल्में दी हैं, तो वो इसका म्यूज़िक दिया है और बहुत उन्होंने जान लगा दी म्यूज़िक पे कि मैं अच्छा म्यूज़िक दूँगा और वो म्यूज़िक को अच्छा लगा भी, सबको पसंद भी आया है, तो उसी का आज गाना हमने शूट कर रहे हैं। अंशुमान जी, काफ़ी उम्मीदें हैं बाली जी को आपसे, आप बेसिकली इस फिल्म में खर्च करने की पूरी कोशिश मुझे लगता है जरूर करेंगे। सर ऑब्वियसली बात है, आदमी अपना 100% देता है, बट बाली सर को मैं अगेन थैंक्स बोलूँगा, विनीत भाई को थैंक्स बोलूँगा, बिकॉज ऑफ कि एक सिनेमा में एक आर्टिस्ट का रोल तय करना ये बहुत ही टफ होता है सर, स्टार्टिंग बिगनिंग में। तो मैं चाहता हूँ अगर सर ने मुझे वो किरदार या फिर वो जिम्मेदारी मुझे अगर दी है तो मैं अपने पार्ट को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। वो सर बताएंगे और वो फिल्म मेरी बताएगी, मेरे दर्शक बताएंगे कि कितना अच्छा रहा और क्या रहा। सो मैं डेफिनेटली अपने पार्ट को 100% दूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छा देता रहूं। विनीत जी जो है ना हमारे प्रोड्यूसर हैं पिक्चर के, और ये हिंदी फिल्मों में प्रोडक्शन पूरा करते हैं, हिंदी फिल्में बनाते हैं। विनीत जी, विनीत जी, आपकी ये पहली फिल्म है, भोजपुरी में आप पहली फिल्म कर रहे हैं, अपने बारे में मुझे बताइए, कहाँ से आप आते हैं और इस ये फिल्म जो है वो आप तक कैसे पहुँची? मैं बिहार से हूँ और छपरा जिला जैतपुर मेरा गांव है। अच्छा। और वहाँ से मेरा फैमिली जो है काफ़ी पहले से है फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे फूफा जी के द्वारा मेरा एंट्री हुआ यहाँ पे, और आके मैं काफ़ी मेहनत किया, पहले एडिटिंग सीखा, टेक्निकल मतलब बेस बनाया, फिर देन प्रोडक्शन, फिर देन एडिटिंग, देन फिर मैंने प्रोडक्शन चालू किया तेलुगु फिल्म से, और फिर मैंने नितिन चंद्रा के हाल ही में किया मैंने एक पिक्चर जैक्सन हंट, जस्ट उसके बाद मेरे को विचार आया उनका काम देख के भोजपुरी का, कि भोजपुरी को अच्छा दिशा दिया जा सकता है, परिवार के साथ में मतलब फिल्म देखा जा सकता है बैठ के, कि सीन काटना ना पड़े, टीवी बंद ना करना पड़े, मतलब कंटिन्यू फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई। तनुश्री का इस पे कमेंट ले लेते हैं। तनु जी, आप शूट कर रहे थे यहाँ पर, आपको ये महसूस हुआ कि भाई एक साफ सुथरी फिल्म जो है ये बाली सर और उनकी पूरी टीम लेके आ रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, पहले से ही मेरा मोटो रहा है जब से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हूँ, मैंने आज तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं, डबल मीनिंग वाली नहीं किया है, तो मेरा एक अलग ही एक वे रहा है फिल्मों को दर्शक के सामने रखने का, ये फिल्म भी उसमें से एक ही है। नाम आप देख के जज कर ही सकते हैं, ये फिल्म कम्प्लीटली पारिवारिक है। कुछ ऑडियंस को कहना चाहते हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देखते रहते हैं, तो मुझे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब जितना प्यार हमने आपने हमको पहले दिया है उतना ही आगे भी दीजिए। थैंक यू, ठीक है, आप सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। पोस्टर ले लो, क्लैप मंगा रहे हैं सर? हाँ, क्लैप मंगा लो भाई, क्लैप के साथ मुझे भी क्लैप के साथ पकड़ के।